भाई ये देख रहे हो, बस नहीं है बंगला है बंगला। और ऐसा क्यों, आ जाओ बताओ। सबसे पहले तो भाई ये वॉल्वो की तरफ से आने वाली मुझे लगता है मोस्ट लग्जूरियस बस है। सबसे पहले तो अंदर से बहुत ज्यादा स्पेशियस बस है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी यहाँ पे हमें बस देखने को मिलती है, काफी सारा स्पेस यहाँ पे हमें मिलता ही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीट्स की, तो आप देख ही सकते हैं सीट्स नहीं है बल्कि रिक्लाइनर्स है, रिक्लाइनर्स। और इन रिक्लाइनर्स की भी खास बात क्या है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं तो मैं इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूं। अगर मैं ये बटन दबाऊंगा तो फिर ये जो पैड है वो ऊपर हो जाएगा, ये बटन दबाऊंगा तो सीट आगे हो जाएगी, ये बटन दबाऊंगा तो सीट पीछे हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हर पर्सन को अपना पर्सनल एंटरटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें वो जो चाहे देख सकता है। तो भाई जितने लग्जूरियस बस है ना, तो जितना मर्जी लंबा ट्रैवल हो आपको थकान तो होने ही नहीं वाली। और ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर हम बस के पीछे जाएंगे तो हमको दिखेगा कि इधर हमें एक छोटा सा किचन भी मिल जाता है। यहाँ पे आप माइक्रोवेव रख सकते हैं, कॉफी मशीन रख सकते हैं, और जितने भी आपको सामान हो वो सब रखिए, और डेली सुबह जो आपको नाश्ते में गर्मा गर्म चाय बना करके पीजिए। उसके बाद इधर हमें यहाँ पे कवर्स वगैरह मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको जो भी अपना सामान वामान रखना है किचन वगैरह का, वो सब आप आराम से रखिए। और इधर हमें एक वॉशरूम भी मिल जाता है, और आप देख सकते हैं वॉशरूम भी अच्छा खासा है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वॉल्वो की तरफ से आने वाला ये एक बंगला है बंगला। तो कैसे लगे आपको ये बस, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।